हेलो गाइस दोस्तों, फिल्मों में वीडियो को सिनेमेटिक लुक देने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके ऊपर कैमरा को स्लाइड किया जाता है ताकि बहुत स्मूथ और जर्क बिल्कुल ना महसूस हो कैमरा में, और एक से एक एंगल्स से वीडियो को लिया जा सके बहुत ही सिनेमेटिक तरीके से। और ये चीज़ें DSLR से अगर शूट करता है कोई वीडियो तो उसमें नहीं हो पाता था, इसलिए एग्जिस्टेंस में लाया गया है गिम्बल का। और ये है DSLR का गिम्बल, वो भी 3 एक्सेस। इसमें 3 एक्सेस है, 3 तरीके से बिल्कुल 360 डिग्री आप वीडियो जो है क्रिएट कर सकते हैं कहीं से भी घुमा के किसी तरीके से। और भी इसके बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, ये तो हैंड अटैचमेंट है। इसके साथ एक रिमोट भी आता है, और ये जो है हमें भेजा गया है रिव्यू के लिए, अनबॉक्सिंग करने के लिए गिब्सन की तरफ से। और इसका नाम है मोजा एयर, जो कि 3 एक्सेस गिम्बल है। जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो में आपको पूरा इसका डिटेल बताने जा रहे हैं, अनबॉक्सिंग करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, इससे कैसे किस तरीके से रिमोट से आप इसका क्या क्या फीचर है और कैसे आप इससे एक स्मूथ और सिनेमेटिक वीडियो बना सकते हैं इस गिम्बल का इस्तेमाल करके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो क्या है अनबॉक्सिंग से। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं हम गिब्सन की तरफ से आने वाले मोजा एयर गिम्बल का, जो कि एक 3 एक्सेस गिम्बल है। और यहाँ पे सपोर्टेड कैमराज और DSLR मेंशन किए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल यही DSLR और मिररलेस कैमरा जो है इसके साथ काम करते हैं। कोई भी आप DSLR, कोई भी मिररलेस कैमरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेंशन है उसका जो कैमरे के अंदर फीचर्स हैं वो सारे आप रिमोट से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका एडेड एडवांटेज है अगर ये खरीद रहे हैं तो, ये मॉडल जो स्पेसिफाइड है उसके लिए। अब आपको मिलता है यहाँ पे बड़ा सा सूटकेस, जिसे आप ससुराल वगैरह जाना हो तो लेकर जा सकते हैं आराम से भर के परदेस वगैरह। और यहाँ पे आपको वार्निंग लेटर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता देंगे जो नहीं करना है आपको इस गिम्बल के साथ। और ये रहा आपका यूज़र मैनुअल, इस यूज़र मैनुअल में आपको दिया है कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। QR कोड दिया हुआ है जिसे आप स्कैन करके इसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं बहुत सारे फीचर्स को। अब इसके पार्ट्स को दिखाते हैं क्लिक करके। सबसे पहले आपको मिल जाती है यहाँ पे 3 बैटरीज, और ये तीनों बैटरीज को आपको इस गिम्बल में डालना होगा इस्तेमाल करने के लिए, पावर और पावर देने के लिए इसे। और ये है बैटरी ग्रिप, जहाँ पे आपको बैटरी को डालना होता है। और एक सरप्राइज़ है आपके लिए यहाँ पे, वाओ दिस इज़ द सरप्राइज़, आपको 3 एक्स्ट्रा मतलब एक पेयर आपको बैटरीज जो है मिल जाती है यहाँ पे, और एक पेयर बैकअप के लिए है, जो कि आप अगर लंबे सूट में, हालांकि आप 2 घंटे चार्ज करते हैं तो 12 घंटे का बैकअप देता है। ये है आपका ट्राईपॉड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है, और इसे अगर आप ज़मीन पर रख के शूट करना है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपका चार्जर, जिसमें आप 2 घंटे चार्ज करेंगे तो 12 घंटे का बैकअप आपको देगा एक जो पैक है बैटरी का। और ये है सेंट्रल एक्सिस, अगर आपको सिनेमेटिक शॉट्स लेने हैं यूनिक तो आपको इसका इस्तेमाल करना होगा अपने स्किल्स के साथ, अपने लॉजिक के साथ। और ये कुछ एक्सेसरीज हैं स्पोर्टली में दिए हुए, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत से एडवांस वर्क के लिए, अदरवाइज़ इसका यूज़ नहीं होता है। लेकिन ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे, ये लेंस होल्डर, अगर मजबूत लेंस है, हेवी लेंस है, तो इसका इस्तेमाल करना होगा। और बहुत सारे केबल हैं पैनासोनिक DSLR के लिए, कैनन के लिए और सोनी के लिए। तो हमारे पास फ़िलहाल कैनन का है, हम कैनन इस्तेमाल करेंगे। और यही केबल से क्या होता है ना कि कनेक्ट करने के बाद DSLR को, ये आपका जो आप देख रहे हैं ये पड़ जाता है आपका हैंड ग्रिप है, जिसे आप सेंट्रल एक्सेस में अटैच करके यूज़ करेंगे। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस थंब कंट्रोलर रिमोट कह सकते हैं, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरीके से, जैसे रिकॉर्ड करना इसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सपोर्टेड मॉडल्स है तो आप फोकस करना, रोटेट करना, हर चीज़ कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हैं जिसका इस्तेमाल आपको करना होगा यहाँ पे। ये है जिस पे आपको कैमरा को, DSLR को या फिर आपका मिररलेस कैमरा से माउंट करना होगा। और ये रहा आपका मेन यूनिट गिम्बल का, ये देखिए 3 एक्सिस गिम्बल 3 जगह से घूम रहा है, 3 एक्सिस इसलिए कहते हैं इसे। और यहाँ पे आपको DSLR लगाना, चलिए इसे लगाते हैं, हम आपको दिखाते हैं हम कि ये सबसे पहले हम जो हैं यहाँ पे ये ट्राईपॉड को रख लिए, उसके बाद इसमें बैटरी को फिलअप कर लेंगे। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि बहुत हेवी है, बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार आप सेट कर लिए तो फटाक से हो जाता है। थोड़ा सा बैलेंसिंग में समय लगता है, और इस चीज़ को फिर आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। और दैट्स इट, आपको यहाँ पे ट्राईपॉड में लगा दीजिए अगर लगाना है तो, नहीं तो हाथ में लेके चलना, तो बस इतना ही लेके DSLR माउंट कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ सब चीज़ लगा कर, क्योंकि ये एक डेमोंस्ट्रेशन है इसलिए। इसके बाद यहाँ पे हम जो सेंट्रल एक्सिस है उसे लगाएंगे। अगर हम आपको हमको कुछ स्पेसिफिक टाइप का सिनेमेटिक शॉट लेना है हाथ में उठा के इधर उधर करके, तो आप इसे लगा लीजिए। और हैंड ग्रिप भी आपको यहाँ पे लगाना, ऐसे लॉक कर सकते हैं आप इसे, बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे आप लॉक कर लेंगे। और यहाँ पे हम दोनों साइड जो है हैंड ग्रिप को लगा देते हैं। ये हैंड ग्रिप हमने लगा दिया यहाँ पे, और अब DSLR को हम माउंट करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको जो ये बेस है उसमें अटैच करना होगा और अटैच करके बैलेंस कर लेना है, दैट्स इट। अब चलिए आपको डेमो दिखाते हैं हम। तो गाइस, हम आशा करते हैं कि आपको ये गडसन की तरफ से आने वाला मोजा एयर गिम्बल फॉर DSLR काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप इसे ख़रीदेंगे हमारे प्रोमो कोड से, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा प्रोमो कोड है, अगर वो डाल के इनके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर परचेज़ करेंगे तो आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के साथ प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।